अभी अगर हम बात करते हैं रशिया की, उनकी अगर हम बात करें, फिर मुझे लग रहा है कि वो जेलसी फैक्टर आ रहा है। हाँ, अगर वो बनाएंगे तो मुझे लग रहा है वो गैजेट वाला बनाएंगे, डोरेमोन वाला बटन निकालेंगे, यूं करके उड़ेगा, ठीक है। अगर आप ये सोचते हो कि चंद्रमा की धरती पे दक्षिण पोल में उतरने वाले अगर आप पहले भारतीय हो तो आप सावधान हो जाइए। मगर क्यों? क्योंकि इस रेस के अंदर रशिया भी उतर चुका है। पिक्चर अभी बाकी है। रशिया भी अपना लूना 25 लॉन्च करने वाला है, वो भी दक्षिण पोल में उतारने की कोशिश में लगा हुआ है, क्योंकि आज तक जितने भी यान चंद्रमा पे उतरे उनमें से एक भी दक्षिण पोल में नहीं उतरा। ठीक है जी। अब आप लोगों के दिमाग में सवाल आएगा कि हमारा चंद्रयान तो पहले से निकला हुआ है, तो रशिया अगर अब लॉन्च करेगा तो कैसे पहले पहुंच जाएगा? तो मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूं। पृथ्वी गेंद के समान गोल है, तो भारत के चंद्रयान इस गोल पृथ्वी की 5 परिक्रमा की है। 5 परिक्रमा पूरी करके पृथ्वी की कक्षा से पहुंचा चंद्रमा की कक्षा में, और वहां 5 परिक्रमा करके फिर दक्षिण पोल पे लैंड करेगा। अरे देवा। जबकि रशिया का प्लान ये है कि वो पृथ्वी की सिर्फ एक ही परिक्रमा करेगा, उसके बाद सीधा अपने रॉकेट को चांद की कक्षा में भेजेगा और वहां भी सिर्फ एक ही परिक्रमा करेगा, और रशिया भी दक्षिण पोल में उतरने का प्लान कर रहा है। हालांकि रशिया टेक्नोलॉजी में भारत से बहुत आगे है। सबसे पहला अंतरिक्ष में अगर किसी ने आदमी भेजा था तो वो भी रशिया ने भेजा था। अब देखने वाली बात यह है कि सबसे पहले दक्षिण पोल के अंदर झंडा किसका लगता है, कि हिंदुस्तान का कि रशिया का, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जब बात बड़े बड़े मुल्कों की हो तो छोटे मोटे मुल्क तो हमारी चर्चा करते ही हैं, खास तौर से कटोरा लेके घूमने वाला पाकिस्तान। भारत और रशिया के चांद वाले कंपटीशन को लेकर पाकिस्तान की आवाम, खासतौर से पाकिस्तान की लड़कियां क्या सोचती है? तो चलते पाकिस्तान। मैं एक सवाल करने जा रही हूँ जिसको सुनकर मैं भी बहुत ज्यादा शॉक हुई हूँ। अच्छा, सवाल बेसिकली ये है कि हम बात करते चले चंद्रयान 3 की, जो ऑलमोस्ट आप कह लें कि मून पर लैंडिंग करने जा रहा है, इसको देखकर जो रशिया है काफी ज्यादा आग बगुला हम लोगों को नजर आता है, और उसने तय कर लिया कि भाई मैं भी लूना 24 स्पेसक्राफ्ट बनाऊंगा। अच्छा। और एक ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करके इंडिया से पहले मून पर जाऊंगा। क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? अभी उन्होंने बनाया थोड़ी है, बनाऊंगा क्या? अभी उन्होंने बनाया थोड़ी है, बनाऊंगा। आप इंडिया की टेक्नोलॉजी, अगर हम उसके बाहर के टेक्नोलॉजी के लिहाज से, आईटी सेक्टर के लिहाज से, भाई वो बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी है कि आप उसका लेवल मुकाबला कर ही नहीं सके, अभी फिलहाल नहीं कर सकते। अगर हम देखें 10-12 साल में आप अगर वो कहते हैं कि हम उसको बीट कर पाएंगे, फिर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंडिया जितनी स्पीड से आगे जा रहा है वो 10-12 साल में 20 साल आगे और चला जाएगा। ऐसे कैसे उन्होंने कह दिया? इतनी मतलब एक कॉन्फिडेंस होता है, ये ओवर कॉन्फिडेंस उनका, मुझे तो समझ नहीं आई। इंडिया की टेक्नोलॉजी अभी नंबर 1 पर जा रही है, उनसे आगे भी कोई भी नहीं आ सकता। ऐसा नहीं लग रहा कुछ ज्यादा ही शुगर लगा के भारत की तारीफ करती है? हाँ भाई हाँ। आपने बात बिल्कुल ठीक की है कि जो रशिया इस वक्त हमें बड़ा ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। उसने कह दिया कि भाई इंडिया ने तो उनके जो स्पेस क्राफ्ट है 5 ऑर्बिट्स को कंप्लीट करके वो जा रहा है मून पर, लेकिन हम एक ही ऑर्बिट में कंप्लीट करेंगे और इंडिया से पहले चांद पर। मतलब कि ऐसे जैसे चांद को हलवा समझा हुआ है और डिसाइड कर रहे हैं कि भाई हम लोग बस पहुंचने वाले हैं जल्दी। इतनी उनकी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद फिर भी वो 5 ऑर्बिट उसको मुकम्मल कर रहा है। एक पूरा तरीका होता है, एक पूरा सेटअप होता है जिस तरह से जाना होता है। अब ये थोड़ी है कि आप इधर ना तो एकदम अबूदे चले जाएंगे, आप एक ऑर्बिट में कैसे, इम्पॉसिबल सी बात है। ठीक है, आप बात वो करें जो करने वाली हो, पूरी आप एक देख के पूरा सिस्टम फिर उसको बात करें, ऐसे नहीं हवा में बात करें। पहले तो आप बनाएं, पहले तो आप बनाना शुरू करें, फिर देखें आप बीच में उसको लेके चल पाते हैं कि नहीं। इंडिया ने 3rd time उस पर 1 crore रुपए लगाए हैं, उसको इस काबिल बनाया कि वो चांद पे अब मैक्सिमम वो लैंड हो जाएगा इंशाल्लाह। तो लेकिन उस काबिल उसको बनाया, इतने सालों की मेहनत, इतने 1 crore रुपए की लागत आई है, पहले आप उतने करें तो सही, तो फिर बात करें ना। इंडिया की तारीफ में इतना भी मत पगलाइए मैडम, जैसे रशिया जा रहा है ऐसे काफी बार पहले भी रॉकेट जा चुके हैं। तो मतलब एकदम से ऐसे हवा में कहना कि तीर छोड़ रहा रशिया, बार बार यही बात कर रहा है कि भाई मैं भी जाना चाहता हूँ, कितने ऐसे कैसे हो सकते हैं कि चंद्रयान 3 और इंडिया सक्सेसफुल नजर आ जाए हम लोगों को, हमसे ये चीज़ हजम हो जाए। आई थिंक सो कि इंडिया कह लें कि बहुत ज्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंट प्रूव कर रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, कॉन्फिडेंट जरूर प्रूव कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ रशिया हमें ओवर कॉन्फिडेंट नजर आया बहुत ज्यादा। और कह रहे हैं कि जिस तरह चंद्रयान 3 साउथ पोल रीच किया है मून का, मैं भी ऐसे ही करूंगा, बल्कि इससे ज्यादा अपने आप को बेहतर प्रूव करूंगा। जी बिल्कुल। अब ये बात करें, अगर इंडिया अगर अपने आप को कुछ कहता है तो प्रूव करता है वो, और हर एक की बिना पर वो बात करता है, अगर उसकी तरक्की है वो नजर भी आती है हमें, तब वो कहे भी तो हमें अच्छा भी लगता है। अभी अगर हम बात करते हैं रशिया की, उनकी अगर हम बात करें, फिर मुझे लग रहा है कि वो जेलसी फैक्टर आ रहा है। कुछ भी कि हर बाद में इंडिया आ गए तो हम क्यों नहीं, वाई नॉट? तो हम ये बात करके थोड़ा अपने आप को ट्रोलिंग में लेके आए ताकि हम भी आए। आप जब आप बनाएंगे ना, जब कुछ करेंगे, आप ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, जैसे इंडिया आया है, उन्होंने काम किया तो फिर वो आ गए, ऐसे तो नहीं आ गए कि मेहनत लगी। जैसे जो इस वक्त रशिया है ना, हैरी पॉटर की वो मैजिक वांड इस्तेमाल करने की बात करे कि मैं छड़ी घुमाऊंगा, मैं फौरन से इंडिया का जो स्पेस क्राफ्ट उससे पहले ऊपर पहुंच जाऊंगा, लेकिन इंडिया ने इतनी मेहनत किया, 1 crore रुपए जैसे कि खर्च किया उन्होंने उसके ऊपर, और साथ में अगर देखा जाए तो इंडिया दिन ब दिन बहुत ग्रो किया है, ना सिर्फ स्पेस क्राफ्ट के अंदर,
स्पेस एजेंसी के अंदर, बल्कि हमें हर फील्ड में वो नंबर वन पर नजर आ रहा है। जबरदस्त। हाँ बिल्कुल, ऐसे आईटी सेक्टर में देख लें आप, उनकी इंडस्ट्री अपनी बन चुकी है, डेवलपमेंट उधर हो रही है, ऑटोमोबाइल में तो फिंगर टिप्स पे अब उनकी कामयाबी तरक्की। हम तो ये देख देख के जारी पता हमें पता चल जाता है ना, अगर वो बनाएंगे तो मुझे लग रहा है वो गैजेट वाला बनाएंगे, डोरेमोन वाला बटन निकालेंगे और यूं करके उड़ेगा। ठीक है, वो अगर कहें तो हाँ भाई वो आप बना सकते हैं, ज़रूर उस पर काम करें। अभी आप इंडिया के लेवल तक नहीं पहुंच सके, अभी मेहनत करें, पाँच छः साल ही, 10-12 साल या 20 साल लगाएं तो आप फिर आप सोचिएगा पहुंचने का, अदरवाइज नहीं। इन मैडम की बातें सुन के आपको लगता है किसी भी एंगल से ये बंदी पाकिस्तानी है? नहीं, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कनाट पैलेस में खड़ी होकर बोल रही हो और भारत के पक्ष में अपनी बात रख रही हो, दोबारा पाकिस्तानी हो। रशिया ने 1976 से पहले बहुत ज़्यादा स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए, कामयाब भी रहे, उसके बाद कोई नहीं किया, और अब 2023 में वो डट गए हैं भाई जी कि अगर इंडिया जा रहा है तो मैं भी उसके पीछे पीछे जाऊँगा। बिल्कुल यार, जिस तरह से इंडिया इतना अच्छा ग्रो कर रहा है अपने कंट्री में, सबके लिए नज़रों में तो इंसान आ जाता है। और यार जो भी है दूसरी कंट्री है हमारी, उसको ना ऐसे फील होता है कभी कभी कि नज़र ना लग जाए यार, कभी कभी ये सोच के भी डर लगता है कि जिस तरह वो ग्रो कर रहा है और जिस तरह से ये लोग उससे जल कर ये बातें करें, नहीं ये क्या करेगा, वो क्या करेगा, ऐसा कैसे हो सकता है, ये चीज़ जो है ना आप लोगों की बहुत गलत है। पाकिस्तान में स्पेशली ये भी चीज़ बहुत है, और अब जिस तरह से आप बता रही हैं तो ये चीज़ गलत है यार। एक बंदा, एक कंट्री जो है वो ग्रो कर रही है। पाकिस्तान में देखें हमारा ये है कि आप जिस तरह से मीडिया की फील्ड में हैं, अगर मैं भी मीडिया की फील्ड में हूँ जिस तरह से, तो और तीसरा बंदा भी होगा, हम दोनों का चैनल अगर अच्छा जा रहा है ना, तो तीसरे की ये कोशिश होगी कि यार इसका चैनल क्यों अच्छा चल रहा है, इसका चैनल को कुछ ना कुछ करना चाहिए, इसकी लेग पुलिंग करना स्टार्ट कर दूँ मैं दूसरे चैनल्स बनाकर, तो इसको ना डिग्रेड करना स्टार्ट कर दूँ। इस तरह से हम पाकिस्तानी करते हैं, पाकिस्तानियों में ये चीज़ है। ये बंदी ने 1 लाख रुपए की बात की, इन पाकिस्तानियों में सबसे बड़ी अगर कोई कमी है तो एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप सना और रिवा को देख सकते हैं, 1 साल के बाद में सना और शोएब को देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो फिर तो आपको कहानी सारी पता है। और दूसरी जो अदर कंट्रीज हैं उनमें भी कहीं ना कहीं ये चीज़ पाई जाती है, तो इस तरह से इंडिया का करें, इंडिया को कोई भी पीछे नहीं अब छोड़ सकता। अच्छा, जिस तरह इंडिया ने कह लें कि बहुत जल्दी साउथ पोल रीच किया मून का, और साथ में अपनी ऑर्बिट्स भी कंप्लीट किए, बड़ी क्लियर इमेजेस भी भेजी हैं उस स्पेस क्राफ्ट ने, और इंडियन साइंटिस्ट काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, तो जो रशिया है वो ये बात करते हैं कि भाई मैं एक ही राउंड कंप्लीट करूंगा अर्थ के इर्द गिर्द भी, और फिर जाऊंगा साउथ पोल पे, वहां से इंडिया से पहले मैं चांद पे पहुंचूंगा। मतलब कोई मैजिक मशीन है रशिया के पास कि इंडिया को पीछे छोड़ेगा और जो पहले पहुंचेगा, वो सिर्फ ना उनके दिमाग में मैजिक मशीन चल रही है, क्योंकि वो सच होने वाली नहीं है इतनी जल्दी। इंडिया को आप पीछे नहीं छोड़ सकते यार, इंडिया को कौन पीछे छोड़ेगा, इंडिया को कोई नहीं। अमेरिका जो है अनकरी वो भी पीछे आने वाला है इंडिया से, चाइना को तो बीट कर दिया इंडिया ने, अब आगे अमेरिका की भी बारी आएगी बहुत जल्द, क्योंकि इंडिया जो है यार देखो इतने अच्छे अच्छे वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, उनके स्टूडेंट्स की इतनी अच्छी मतलब कि नॉलेज उनके पास इतना अच्छा होता है, जो मैट्रिक का स्टूडेंट है उसके पास इतना अच्छा नॉलेज है। यहाँ पे मैट्रिक के बच्चे को पूछ लो उसको कुछ आता ही नहीं होगा, उसको कीपैड जो है वो ही नहीं चलाना आता सही तरह से। वैसे आमतौर पर पाकिस्तानी इतनी भारत की तारीफ करते नहीं है, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। अगर आपको भी दाल में काला लगता है तो कमेंट करके मुझे बताइए, और ये भी बताइए कि चांद की दौड़ में सबसे पहले साउथ पोल में उतरने वाला कौन सा मुल्क बनेगा, हिंदुस्तान की रशिया? देखिए जो भी पहले उतरेगा ना वो एक हिस्ट्री क्रिएट करेगा, हिस्ट्री तो दोनों ही क्रिएट करेंगे, लेकिन एक जो पहले पहुँचने वाला नंबर है ना वो मायने रखता है। और मैं अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा चंद्रयान सक्सेसफुली चंद्रमा पर लैंड कर जाए। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।